नमस्कार दोस्तों, नव बिहार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस अंक में हम आपके साथ मौजूद हैं एक खास विषय को लेकर। यह विषय है ग्रिड में जमीन के मामले को लेकर जो हेरा फेरी चल रही है और किसी से भी जमीन निकाली जा रही है और जैसे भी कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा ही एक मामला है। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि इस समय हमारे साथ आसिफ खान जी मौजूद हैं। आसिफ जी, कहाँ रहते हैं और क्या है मामला आपका? मैं यहाँ झंडा मैदान आरके महिला कॉलेज रोड पे जो है वो वहाँ मेरा मकान है। और मामला ये है कि हमारे पिताजी जो है वो अति वृद्ध हो चुके हैं और वो बिस्तर पे हैं, माजूर हैं, सेंसलेस हैं, और उनसे अंगूठा लगाकर जो है वो उनकी प्रॉपर्टी जो है वो हड़प ली गई है। आपके पिताजी का नाम क्या है? मोहम्मद तकी खान। क्या करते थे आपके पिताजी? और अभी पेशे से वो डॉक्टर हैं, मतलब मौजूदा हैं तो हैं, वो डॉक्टर हैं और वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक है। और मगर इस समय उनकी 93 के आसपास उम्र है और वो चलने फिरने, बोलने, समझने, पहचानने सब में जो है वो कासिर है, वो नहीं कर सकते वो। तो आपके पिताजी की प्रॉपर्टी जो है वो किसी ने अगर लिखवा दी है तो आपने उनको मना नहीं किया? क्या वो आपके साथ नहीं रहते? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरे पिताजी ये प्रॉपर्टी मेरी माँ को जो है वो देने के बाद वो लोग दूसरी प्रॉपर्टी अलकापुरी में बनवा कर जो है वहाँ दूसरी पत्नी के साथ, वो पत्नी मुझसे, मैं अपने माने माता पिता की आखिरी संतान हूँ, और उसके बाद उन्होंने जो शादी की है वो मुझसे 9 साल छोटी है, ठीक है। वो उसके बरगलाने पे वो जो भी है वो षड्यंत्र करके जो है उन लोगों ने जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो लिखवाई। वो ना बोल सकते हैं आज की स्थिति में, ना समझ सकते हैं, ना उस लायक हैं, उन्हें टॉयलेट भी जो है वो कराना पड़ता है ले जाकर, वो बिस्तर पे हैं, ठीक है। और ऐसे में एक पढ़ा लिखा आदमी जो हमेशा, मतलब आप दर्शकों को बता रहे हैं कि आपके पिताजी जो है वो आपके साथ अभी नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं, वो अलकापुरी में दूसरी पत्नी के साथ रहते हैं और ये प्रॉपर्टी पूरी तरह से हम लोगों को देने के बाद जो है वो वहां चले गए और वहां एक नया जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें कि आप बता रहे हैं कि साजिश करके इस प्रॉपर्टी को बेच देने का प्रयास किया गया है जी। तो इस प्रॉपर्टी में आप अपना हक कैसे जताते हैं आपके पिताजी की, जब ये खरीदी प्रॉपर्टी जैसा आप नहीं बताया? ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी माँ को हिबा में दिया गया, जिसके लिए न्यायालय में जब ये मामला बढ़ने लगा तो हम न्यायालय के में मदद की गुहार किए तो एक मुकदमा दर्ज है जो OS 10-20 है, ठीक है। OS 10-20 में जो है वो ये जाहिर किया गया है। OS का मतलब मैं दर्शकों को बता दूं, OS का मतलब ओरिजिनल सूट होता है, यानी कि टाइटल सूट, जिसमें कि संपत्ति का अधिकार किसके पास है और किसकी संपत्ति है वो टाइटल का निर्धारण कोर्ट करता है जी। अगेन 5 साल से मुकदमा लंबित है, ठीक है। बीमार अवस्था में पिताजी जो है पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है गलत तरीके से LPC निर्गत कराया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये मिली भगत से ये प्रॉपर्टी अंगूठे के बल पे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी पढ़े लिखे थे, वो इस समय ऐसी स्थिति हो गई कि वो सिग्नेचर करने योग्य नहीं है। वो 93 साल के आदमी 5,000 नहीं गिन सकता, ये 53 लाख का मामला है। 55,53,000 में ये प्रॉपर्टी जो है वो डीलिंग हो गई, ठीक है। कुछ और भी डील में जो है रजिस्ट्री आप ये हो गई है, जबकि मामला टाइटल का मामला लंबित है। और आपने आप बताना शुरू किया था कि हिबा में आपके माँ को ये प्रॉपर्टी उन्होंने दी थी जी, और उसके बाद वो दूसरी पत्नी के साथ जाकर रहने लगी जी। तो ये जो प्रॉपर्टी अभी जो बिकी है जी, तो आपका क्या कहना है कि क्या संदेह के दायरे में क्या कौन कौन से लोग आते हैं? बहुत सारे सारे यहाँ तो रजिस्ट्रार संदेह में है, ठीक है। मैं जो है वो जाकर CO ऑफिस में शंभू विश्वकर्मा से भी मिला, उन्होंने मेरी बदतमीजी की और मेरी फाइल फेंक दी, बोली जाइए जो कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है, और इसका म्यूटेशन भी करेंगे हम लोग, रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। इतना किसी आदमी के लिए वो बायस कैसे हो सकते हैं? एक हफ्ते बाद जो है CO साहब से मुलाकात आई हुई, जो वो ट्रेनिंग से वापस लौटे, ठीक है, उनको भी फीडबैक दिया गया और वो सुनने से इनकार कर दिए, कह रहे कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, आप न्यायालय जाइए, न्यायालय से समझिए, हम म्यूटेशन करके रहेंगे। इतना क्या बायसनेस, ठीक है। ये सब लोगों की मिली भगत से, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है, एक और मुद्दा है इसमें कि मकान 8.31 डिसमिल जमीन है
और डीड में ये लिखवाया गया कि इस पूरे मकान में दो कमरे, एक लैट्रिन, एक किचन, लैट्रिन बाथरूम और एक किचन है, और बाकी वैकेंट जमीन है। जबकि समस्त गिरिडीह ये जानता है कि खान साहब के मकान में कितने फ्लैट हैं, ठीक है, टोटल 27-28 कमरे हैं और कहीं पे वैकेंट जमीन नहीं है और कम से कम 10 या 12 टॉयलेट बाथरूम है। मतलब आपका कहना है कि एलपीसी जो निर्गत हुआ है वो बिल्कुल बिना विवेचना किए जो है वो बस हाँ किया जा सकता है, इसलिए कर दिया गया। अभी म्यूटेशन एक से बीच में करो, म्यूटेशन वाली बात बताते बताते आप लोग गए थे कि आपने कर्मचारी से मुलाकात की, हाँ, से मुलाकात की, हाँ, उन लोगों दोनों ने कहा कि नहीं म्यूटेशन इसका होगा, हम इसको नहीं रोकेंगे, हाँ, उसके बाद मैं डीसी साहब के पास गया, उपायुक्त महोदय के पास गया, 4-5 दिन के स्ट्रगल के बाद मुलाकात हुई उनसे, और उनके बाद जो है वो उन्होंने आश्वासन दिया कि डीड तो मैं नहीं कैंसिल कर सकता, वो कोर्ट का मामला है, और आप जो है बल्कि मुझसे क्या चाहते हैं, तो हमने कहा कि एटलीस्ट म्यूटेशन तो रोक दिया जाए, तो उन्होंने म्यूटेशन को रोक दिया है। अभी म्यूटेशन होना, जब तक मुकदमा लंबित है तब तक म्यूटेशन नहीं होगा, मतलब फिलहाल बस इतनी राहत जी। तो अब आप बताइए कि जैसे आपने बताया कि इस मकान में कितने कमरे, आपने बताया कितने कमरे हैं, 27-28 कमरे, 27-28 कमरे, जबकि जो एलपीसी निर्गत हुआ उसमें दो कमरे दिखाए गए हैं, एक किचन, हाँ, ये सीधा सीधा राजस्व की चोरी है जी। अगर ये मामला, अब आप हमें ये बताइए कि आप दावा करते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, बेचने वाले दावा करते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, अब जिन्होंने खरीद लिया वो दावा करेंगे कि ये प्रॉपर्टी उनकी है जी, ऐसी परिस्थिति में आपके सामने कौन सा रास्ता है, मेरे सामने क्या चाहते हैं? मेरे सामने न्यायालय है और ये इंक्वायरी किया जाए कि आखिर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। एक वृद्ध आदमी, 93 साल का आदमी, जिसे पकड़ कर जो है किसी तरह से लेकर जाया जाता है और उसको मतलब रजिस्ट्रार पूछते हैं कि पैसा मिल गया, और उनका सर हिला दिया जाता है, ठीक है, बाकी अंगूठा पकड़ के निशान लगवाया गया, उसको अटेस्ट किया गया। मुझे तो ये सीधा सीधा लगता है कि सब पैसे के बल पे जो है वो षड्यंत्र रचा गया है। क्यों? क्योंकि इधर बीच वो इतने बीमार थे कि हॉस्पिटल में एडमिट थे, पानी चढ़वाया गया, ये अफरा तफरी में करवाया गया कि लड़का एंटाइटल्ड हो जाएगा, इसलिए एक गेम जो है बढ़ा दो और इसको जो है वो किसी रसूखदार आदमी को जो है वो प्रॉपर्टी ये बेच दो। अभी जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने जो कि डॉक्यूमेंट निकाल दिया है जी, तो प्रॉपर्टी खरीदने वाले का नाम क्या है? प्रॉपर्टी खरीदने वाले का नाम गौतम सिंह है, जो कि राज धनवार के ब्लॉक प्रमुख हैं, काफी रसूखदार आदमी हैं, जनप्रतिनिधि हैं। वो कैसे ऐसा कर सकते हैं हमें हमारे ये नहीं समझ से बाहर है कि एक जनप्रतिनिधि जो रहनुमा होता है लोगों का, ठीक है, जिसके पास लोग शरण में अपनी मुसीबत लेकर जाते हैं, वो लोगों के लिए इस कदर जो है प्रॉपर्टी के लिए सबको घर से बाहर करने पर कासिर हो, ये नहीं समझ में आता। तो गौतम सिंह कभी आपके पास मिले या प्रॉपर्टी पर कभी? नहीं, मुझसे कोई संपर्क नहीं है, कुछ नहीं है, मैं फिजिकली नहीं जानता उनको, ये पेपर से मैं देखा हूँ, बाकी ये पता चलता है कि मतलब वो प्रॉपर्टी डीलर है और इस तरह की प्रॉपर्टी वो खरीदते बेचते हैं। तो इस तरह से आपका आरोप है कि आपकी ये जो संपत्ति है जो क्या? सर, एक चीज कहना चाहूंगा कि ये मेरा आरोप नहीं है, आरोप जब मेरा टाइटल सूट है, जब मैंने अपने फादर को कॉल किया कोर्ट में, तो उधर से जो जवाब आया वो ये आया कि वो अत्यंत बीमार हैं और वो चलने फिरने से बिना सहारे के चल फिर नहीं सकते, वो कोर्ट में आने में असमर्थ हैं, ठीक है, और वो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो लिख पढ़ नहीं सकते, लिहाजा एक एफिडेविट दिया गया कि उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी जो है वो मुकदमे का देखभाल करेगी। अच्छा, ये एफिडेविट मैं पढ़ के सुनाता हूँ जी। ऐसा आदमी जो है जो नहीं कोर्ट नहीं आ सकता, वो रजिस्ट्री ऑफिस जाके रजिस्ट्री कर ले रहा है, ये भारी षड्यंत्र है। इस एफिडेविट में भी इसी तरह से लिखा हुआ है कि वो काफी बीमार है और वो कोर्ट में आने की स्थिति में नहीं है, और उनकी जगह पर उनकी जो वर्तमान पत्नी है वो इस केस में देखभाल करेंगे, हाजिर होंगी जी। तो इसका मतलब है कि आसिफ जी का साफ साफ कहना है कि एक तरफ जब कोर्ट में आने की बात होती है तो कोर्ट में ये रिटन डॉक्यूमेंट दिया जाता है, एफिडेविट दिया जाता है कि मिस्टर तकी खान काफी बीमार है और वो चलने फिरने में असमर्थ है, समझने बूझने में असमर्थ है, केस नहीं लड़ सकते, इसलिए उनकी जगह उनकी वर्तमान पत्नी केस लड़ेंगी। लेकिन जब ये प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री लिख देने की बात आती है, बेच देने की बात आती है, तो वही तकी खान स्वस्थ होकर आकर और यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं जी। यही कहना चाहते हैं जी। एक चीज और प्रकाश डालूंगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये नक्शा बनाया गया,
ठीक है, ये नक्शा दिखा रहा है कि आधी 600 स्क्वायर फीट में मकान है, बाकी पूरा ओपन लैंड है। कोई भी आकर जो है इसका निरीक्षण कर ले कि कहीं अगर ओपन लैंड दिखा दे तो मैं प्रॉपर्टी छोड़ दूंगा। ये आप बिल्कुल दावा कर रहे हैं जी, ओपन लैंड दिखा दे तो आप जैसे देख सकते हैं कि आसिफ जी काफी तंग परेशान है, इनकी फैमिली परेशान है, दो छोटे छोटे बच्चे इनके हैं और ये परेशान परेशान है और इनका इनके कई आरोप और आरोपों को देखकर सुनकर और डॉक्यूमेंट्स को देखकर ये समझ में जो बात आती है कि ये मामला निश्चित ही काफी पेचीदा और काफी झोलझाल वाला है और इस मामले में कई लोगों की संलिप्तता की भी संभावना हो सकती है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। हम इस अंक में जमीन से जुड़े इस मामले को लेकर आपके साथ हाजिर हुए। अगले अंक में प्रयास करेंगे कि जिनको जमीन बेची गई उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और रजिस्ट्रार जिन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने बिना कुछ देखे समझे इस जमीन की रजिस्ट्री कर दी, इतना ही ये सब हम इन बातों के साथ हाजिर होंगे जी। आपको इतना ही नहीं, सीओ साहब मोहम्मद असलम जब उनसे संपर्क किया गया, मैं अपनी पत्नी के साथ गया था, उन्होंने निहायत ही बदतमीजी से बात करी और हम लोगों को सीधा सीधा उनके ऑफिस से निकल जाने के लिए कहा। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आसिफ जी काफी दुखी और नाराज हैं और अधिकारियों पर बदतमीजी का आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में हम आगे प्रयास करेंगे कि इन आरोपों पर भी संबद्ध अधिकारियों से उनका भी बयान आपको दिखाएं और सुनाएं, क्योंकि पत्रकारिता का धर्म यह कहता है कि हम हर पक्ष की बात आपको सुनाएं। पर फिलहाल जो तथ्य जो कागजात सामने प्रस्तुत कर रहे हैं आसिफ जी, उससे प्रतीत होता है कि मामले में काफी झोल है। देखते रहिए नौबिहान और इसके साथ ही आपसे आग्रह होगा कि हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे Facebook पेज को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमें मदद कीजिए ताकि हम ऐसे जो मामलात हैं जिससे कि मजलूमों पर अन्याय हो रहा है या ऐसी कोई भी बात जो सामने आ रही है वो आपके सामने हम लेकर आएँ, जनता के सामने लेकर आएँ। तो देखते रहिए नौबिहान, नमस्कार। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक अल्मोनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक अल्मोनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए अल्मोनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, पर्सीलिन, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक अल्मोनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड सीओडी गिरिडीह।